गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। जल्दी से चेक कीजिएगा साउंड एंड वीडियो क्वालिटी। कैसे आप सब लोग? गुड मॉर्निंग ऑल। चलो जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर? ओके, ऑल क्लियर? ओके, वेरी गुड। सो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कुछ लास्ट पार्ट में होमवर्क दिया था, क्या मुझे बता सकते हो क्वेश्चन नंबर कौन से थे होमवर्क में? जल्दी से बताइएगा। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किए थे लास्ट पार्ट में, जल्दी से बता दीजिएगा होमवर्क क्वेश्चन नंबर कौन से थे। जी आई वेटिंग फॉर योर आंसर। होमवर्क क्वेश्चन कौन से थे? आई होप आपने होमवर्क किया रहेगा। 22 एंड 23। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। यस 22 एंड 23। चलिएगा आइएगा, लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन नंबर 22। आई होप सब लोगों ने वो वर्कआउट कर लिया रहेगा। लेट्स रीड दैट क्वेश्चन नंबर 22। एवरीवन आइएगा क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। जी सर, कॉम्प्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द टोटल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एनुअल डिमांड 5000 यूनिट्स, यूनिट प्राइस ₹20, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 16, स्टोरेज कॉस्ट 2%, इंटरेस्ट कॉस्ट 12% एंड ऑब्सोलेंसेंस रेट इज 6%। क्या बात है फ्रेंड्स, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है ये परसेंटेज में दिया है, ये सारा की सारा आपका कैरिंग कॉस्ट में आएगा। एंड आपको पता है अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो इल अप्लाई दिस परसेंटेज ऑन परचेज प्राइस, दैट इज यूनिट प्राइस। ऑल्सो डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम इफ अ न्यू प्राइस, नया प्राइस 12.80 है, इंस्टेड ऑफ ₹20 नया प्राइस आपको 12.80 लेके आंसर देना है। ओके चलिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट। जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आपका आंसर क्या है? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट आई गेस 5000 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, यू कैन चेक दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹16 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना परसेंटेज आएगा, 2 प्लस 12 14 प्लस 6 20%, 20% मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस इज ₹20। जी हाँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड आंसर दे रहे हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रहा है आपका 200। यस एवरीवन, एवरीवन ऑफ यू, इज इट 200? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इट 200? वेरी गुड। चलिएगा इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन पूछा था, ऑल्सो डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम अगर नया प्राइस 12.8 है तो उसका भी मैं ईओक्यू फाइंड कर लेता हूं ना बॉस। क्या आपने फाइंड किया या फिर इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पहले ले लेते? ओके सो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा, कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा एंड टोटल कॉस्ट कितना आएगा, ये जल्दी से बता दीजिएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, दैट इज ईओक्यू, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। सो एनुअल रिक्वायरमेंट इज 5000 डिवाइडेड बाय 200, ये आ गया आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके 25, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 16, ठीक है। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 16 आपका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, इज इट 400? परफेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने, 400। कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा फ्रेंड्स? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दैट इज ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपका है 200 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री आ गया आपका 100 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज 4। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका जो आंसर आ गया 400। ईओक्यू पे आपका जितना ऑर्डरिंग कॉस्ट है उतना ही कैरिंग कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट जो बन रहा है वो बन रहा है 800, राइट फ्रेंड्स? चलिएगा वेरी गुड। सो ये आपका आंसर आ गया था। नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा वो जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, ऑल्सो डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम अगर नया प्राइस 12.80 है, ये कितने लोगों ने वर्कआउट किया?
जल्दी आंसर दीजिएगा। अगर नया प्राइस 12.80 है तो आपको वापिस से सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपने सॉल्व किया रहेगा तो जल्दी बताइएगा। अरे जल्दी 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 क्या कर रहे हो फ्रेंड्स, आंसर नहीं आ रहा है। प्राइस चेंज हो गया, 20 रुपए के जगह पे 12.80 अब आपका प्राइस है। अब आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है? ओके, सिर्फ एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है, दैट इज हर्षा जी। हर्षा जी आंसर दे रहे 250। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी आंसर दीजिएगा। ओके प्रेम जी, 250 आंसर है। ओके सो फ्रेंड्स, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं वो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, बी क्वेश्चन का आंसर। सो अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई एनुअल रिक्वायरमेंट विल बी एज इट इज 5000। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी सेम है 16 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट आपका चेंज होगा 20% मल्टीप्लाइड बाय आपका जो नया परचेज प्राइस है वो आ रहा है 12.80। ओके सो जो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बन रहा है, लेट मी चेक क्विकली, 5000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है 1,60,000 आया, और 12.80 मल्टीप्लाइड बाय 20% 2.56। ओके फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट आंसर दिया आपने, 250 इज वेरी करेक्ट आंसर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिएगा, वो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी टोटल कॉस्ट आपको पूछा गया था, तो टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा वहां पे, एनुअल रिक्वायरमेंट है आपका 5000, ऑर्डर साइज दैट इज ईओक्यू आया 250, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर इज 16। फटाक से आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, 250, 5000 डिवाइडेड बाय 250, आपके जो 20 ऑर्डर्स आए मल्टीप्लाई बाय 16, 320 रुपए आपका आंसर आ गया। ओके इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका कैरिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, 250 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सो 12.80 इसका 20% अगर लेते हैं तो 2.56, ऑब्वियसली आपका आंसर 320 ही आना चाहिए, 125 मल्टीप्लाइड बाय 2.56, लेट्स चेक दैट 320। सो जो आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है, ओके सो ये आ रहा है 640। परफेक्ट मैम बॉस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक सो आप में से किसी को भी इसमें कोई डाउट आया रहेगा, कोई दिक्कत हुई रहेगी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हाँ गाइस चलेगा, सो हमने क्वेश्चन नंबर 22 कर लिया, वेरी गुड। आइएगा जल्दी से क्विकली सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ओके सो 23 क्वेश्चन में HKC लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ स्पेशल प्रोडक्ट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू, फॉलोज द पॉलिसी ऑफ ईओक्यू, वन ऑफ इट्स कंपोनेंट, फॉर वन ऑफ इट्स कंपोनेंट द कंपोनेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज, परचेज प्राइस ऑफ द कंपोनेंट 200 रुपीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 100, एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग पर यूनिट इज 10% ऑफ परचेज प्राइस, टोटल ऑफ इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 4000, द कंपनी हैज बीन ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन अ प्राइस ऑफ द कंपोनेंट प्रोवाइडेड द लॉट साइज इज 2000 कंपोनेंट एट अ टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट ईओक्यू, एडवाइस वेदर द डिस्काउंट शुड बी एक्सेप्टेड एज्यूम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द डिस्काउंट पॉलिसी। एंड अगला पॉइंट यह है, वुड योर एडवाइस डिफर इफ द कंपनी 5% डिस्काउंट ऑफर करता है ऑन सिंगल ऑर्डर, तो पूरे साल में एक ही ऑर्डर प्लेस करेंगे, ये ऑप्शन एक्सेप्ट करना या नहीं करना, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये बहुत ही खूंखार क्वेश्चन था, पहले तो ये बताइएगा कितने लोगों ने ये सॉल्व किया है, ठीक है। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था एकदम, ये खूंखार क्वेश्चन था। सो लेट्स सी कितने लोगों ने ये सॉल्व किया है, कितने लोगों ने सॉल्व किया है। कुछ लोग अटक गए रहेंगे, सर ईओक्यू अगर हमें फाइंड करना है, सर अगर ईओक्यू फाइंड करना है तो सर एनुअल रिक्वायरमेंट किधर है, क्या बात है, ओ माय गॉड, ओ एम जी, अंशिका जी इन्होंने सॉल्व किया है, ओके ओ माय गॉड, मुक्ता जी ने तो इक्वेशन भी डाल दिया जोरदार, बिंदु जी ने भी बराबर बताया, यस सर सॉल्व किया, क्या बात है सर, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था, माय गॉड, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, सो मैंने जस्ट ये ट्राई के लिए दिया था सो दैट आपका दिमाग चले और आप ट्राई करके आंसर लाए। ओ एम जी फ्रेंड्स, काफी सारे स्टूडेंट सॉल्व किए हुए हैं ये क्वेश्चन और मैं देख पा रहा हूं काफी सारे स्टूडेंट करेक्ट आंसर भी दे रहे हैं, ईओक्यू 200 कुछ लोग आंसर दे रहे, ओ एम जी
फ्रेंड्स रियली इंप्रेस्ड बाय यू, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 23 आपने सॉल्व किया, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। OMG, शुभम जी ये भी करेक्ट आंसर दे रहे, क्या बात है फ्रेंड्स, आई एम रियली इंप्रेस्ड। चैंप लोग हो आप लोग, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता आपको अच्छे मार्क्स लाने से, जोरदार। फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं कुछ इंटरलिंक करना चाहता हूं, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया या फिर जो लोग अभी अभी जुड़े हुए हैं, कल का लेक्चर मिस हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, ये मैं पूरा सॉल्व करूंगा। प्रेजेंटेशन आप देख लेना, अगर आपने कुछ प्रेजेंटेशन आगे पीछे किया रहेगा तो ये वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था कि कंपनी फॉलो करता है ईओक्यू, डायरेक्टली बोल दिया है। कनिका अग्रवाल जी वेरी गुड, सो क्वेश्चन में बोल दिया है कंपनी फॉलो करता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एंड दूसरा लाइन जो इंपॉर्टेंट था उसको इंटरलिंक कीजिएगा, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग एंड ऑर्डरिंग पर एनम इज 4000। तो फ्रेंड्स मैं बार बार लगातार चिल्ला चिल्ला के एक पॉइंट बताता हूं, अगर आप ईओक्यू फॉलो करते हैं तो आपका जितना ऑर्डरिंग कॉस्ट है सर, आपका जितना ऑर्डरिंग कॉस्ट है उतना ही कैरिंग कॉस्ट आता है, आपका जितना ऑर्डरिंग कॉस्ट है उतना ही कैरिंग कॉस्ट आता है। तो आपको यह पॉइंट क्लियर होना चाहिए था कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट अगर 800 रुपए दिया है और आप अगर ईओक्यू फॉलो करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 आना चाहिए और कैरिंग कॉस्ट 400 आना चाहिए। अगर आप ईओक्यू फॉलो करते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आपको लगता है 640, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट 320 आएगा और कैरिंग कॉस्ट 320 आएगा, आधा आधा, ठीक है। तो आई एम रियली इंप्रेस्ड, जो जो स्टूडेंट ने आंसर दिया है, वेरी गुड फ्रेंड्स, कीप इट अप, जोरदार फ्रेंड्स, यही मेहनत हमें आगे करना है। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन में दिया है कंपनी ईओक्यू फॉलो करता है एंड टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दे हैव गिवन 4000, ओके, दे हैव गिवन 4000। सो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट आया आपका 2000 एंड कैरिंग कॉस्ट आएगा आपका 2000, क्योंकि ईओक्यू में ये दोनों मैच होता है, इक्वल आता है, एंड टोटल इसका जो आंसर आता है वो 4000 दिया हुआ है, तो आधा ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा, आधा कैरिंग कॉस्ट आएगा। आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है। तोड़ मालिक बहुत अच्छे से आपने किया है, वेरी गुड। अब मैं कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर मुझे ईओक्यू फाइंड करना है तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे ईओक्यू फाइंड करना है तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर जी 2 है ऑर्डरिंग कॉस्ट से, कैरिंग कॉस्ट से, आई डोंट हैव एनुअल रिक्वायरमेंट, सो सबसे पहले तो मुझे एनुअल रिक्वायरमेंट वगैरह फाइंड करना पड़ेगा अगर ईओक्यू फाइंड करना है तो मैं कुछ जुगाड़ करता हूं, देखते कौन से जुगाड़ ट्रायल एंड एरर मेथड से मेरा फिक्स होता है। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आता है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज दैट इज ईओक्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। सर ये मेरा जुगाड़ काम नहीं करेगा, देखो 2000 इज इक्वल टू, आई डोंट हैव एनुअल रिक्वायरमेंट, आई डोंट हैव इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बिकॉज ईओक्यू पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सो ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 100 रुपीज, राइट फ्रेंड्स, तो ये जुगाड़ से मैं आंसर नहीं ला सकता, क्योंकि ये मैथमेटिकल इक्वेशन में दो मिसिंग फिगर है, आई डोंट हैव एनुअल रिक्वायरमेंट एंड आई डोंट हैव ईओक्यू। चलो दूसरा जुगाड़ देख लेते हैं, कैरिंग कॉस्ट वाला जुगाड़ देख लेते हैं। सर जी कैरिंग कॉस्ट कैसे आता है, एवरेज इन्वेंटरी मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, सो कैरिंग कॉस्ट जो था वो 2000 था, एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है, तो ईओक्यू डिवाइडेड बाय क्यू आता है मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। जी हां क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट 10% ऑन परचेस प्राइस इज 200, सो 200 मल्टीप्लाई बाय 20%। फ्रेंड्स क्या ये सेकंड जुगाड़ आप कर सकते हैं क्या, आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल इक्वेशन में एक ही मिसिंग फिगर है, वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जी हां फ्रेंड्स इमीडिएटली आप फाइंड कर सकते हो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह किया आपने, ईओक्यू इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय क्यू डिवाइडेड बाय 40 आई गेस, राइट है, सो 2000 मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय 40 आपका जो आंसर, अरे सर जी कितना 100 आया, गलत किया मैंने, एक बार चेक करो ना सर,
एक बार चेक कीजिएगा, यूक्यू 200 या यूक्यू 100 है, 10% है क्या? अच्छा 10% है, वही बोल रहा हूं। आप जैसे चैंप लोगों का आंसर गलत कैसे आ सकता है? वही बोल रहा हूं, आप जैसे चैंप लोगों का आंसर गलत कैसे आ सकता है फ्रेंड्स? वेरी गुड, क्या बात है। 200 200, यस इट्स 10%, यस मैंने रेक्टिफाई कर लिया है। आई थॉट इट वॉज 20%, बट ये 10% था। सही है बॉस। तो आपका जो ईओ क्यू आ रहा है वो ईओ क्यू आ रहा है 200, सही है जी हाँ। इट्स 10%, इट्स 200, परफेक्ट फ्रेंड्स। सो आप लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया। आपका जो कैरिंग कॉस्ट था 2000, उसके बेसिस पे आपने वर्कआउट कर लिया ईओ क्यू। सो ये आ गया आपका ईओ क्यू। सो फ्रेंड्स अब अगला एक जुगाड़ करना पड़ेगा। ईओ क्यू आ रहा है आपका 200, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमें वो डिस्काउंट लेना है या डिस्काउंट नहीं लेना है, वहां पे क्या काम करना है। लेकिन अगर आपको याद आ रहा है वो जो टेबल हम लोग प्रिपेयर करते हैं, टेबल का जो पहला पहला लाइन रहता है, वो पहला पहला लाइन रहता है एनुअल रिक्वायरमेंट, बट वी डोंट हैव एनुअल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? हमें सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट फाइंड करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? अरे एनुअल रिक्वायरमेंट फाइंड करना है तो एक और जुगाड़ कर लेते हैं। देखो एनुअल रिक्वायरमेंट फाइंड करने के अभी दो मेथड है। एक तो आप ईओ क्यू का फॉर्मूला वर्कआउट कर लीजिएगा। ईओ क्यू का फॉर्मूला कहता है अंडर रूट ऑफ 2 × एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आपका जो ईओ क्यू है वो 200 है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 × आई डोंट हैव एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। यस आई हैव दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर प्लेस करने का जो खर्चा था वो 100 था, डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। जी मालिक, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम था 20 रुपीज। तो टेकिंग स्क्वेयर्स ऑफ बोथ साइड, स्क्वेयर लिया तो वो अंडर रूट चला जाएगा। सो 200 का स्क्वेयर आपको लेना है, टेकिंग स्क्वेयर ऑफ बोथ साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में 40,000 आपका आंसर आ गया, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20। देयरफॉर एनुअल रिक्वायरमेंट कितना आया मालिक? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। जी हां सर जी, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना आया? अरे एनुअल रिक्वायरमेंट कितना आ रहा है? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। बॉस आपका जो एनुअल रिक्वायरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 4,000, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड था, काफी कॉम्प्लिकेटेड था। एक और जुगाड़ अपने पास है सर जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है ना, देखो वो जुगाड़ से आता है क्या। अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है दोस्त? ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है फ्रेंड्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके सो फ्रेंड्स ऑर्डरिंग कॉस्ट जो था वो 2000 था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएगा? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ईओ क्यू ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज आपने बता दिया था मुझे 200 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर इज 100, देयरफॉर एनुअल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 100। यस सर, क्या आपका वही 4000 आंसर आया? तो दोनों में से कोई भी एक जुगाड़ आप कर सकते थे। जी हां, क्या ये पॉइंट क्लियर है फ्रेंड्स? क्या ये पॉइंट क्लियर है, हा या ना? जिन लोगों को सॉल्व नहीं करते आया, या फिर जिन लोगों ने सॉल्व किया है, क्या आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो चुका है? एनुअल रिक्वायरमेंट आ गया, अब वो आप जुगाड़ कर सकते हो, डिस्काउंट वाले पॉइंट आप चेक कर सकते हो, 5% का डिस्काउंट है, 2% का डिस्काउंट है, वो आप वर्कआउट कर सकते हो। पहले तो ये बताइएगा ये समझ में आया या नहीं आया। अरे जल्दी बोलिएगा, ये क्वेश्चन है ना कम से कम 3-4 बार अब तक एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड एटलीस्ट 3-4 times इन एग्जाम। क्या तोड़ मालिक समझ में आ गया? एब्सोल्युटली क्लियर है सब लोग? जल्दी से बता दीजिएगा, यस सर एब्सोल्युटली क्लियर है। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सेकेंड अप्रोच था ना, वो सेकेंड अप्रोच
थोड़ा सा इजी था, यहाँ पे कैसा स्क्वायर लेना है, कुछ स्टूडेंट थोड़ा मैथमेटिक्स में तोड़ होशियार रहते हैं तो उनको मैथमेटिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो सर ये स्क्वायर वगैरह लेना, ये सर झेपता नहीं है सर जी, ये ओवरहेड चले जाता है, तो बेटर एक काम करना भाई, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट से फॉर्मूला से एनुअल रिक्वायरमेंट आ सकता है। ओके सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक काम कीजिएगा, मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रिविजन बिफोर एग्जाम। ओके सबसे पहले तो क्या करना है फ्रेंड्स, हमें ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना है रिविजन बिफोर एग्जाम, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया सर, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक टाइप का, वो हम लोग पहले ही मार्क करके रखते हैं कि एग्जाम के पहले रिवाइज करना है या फिर नेक्स्ट टाइम सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ओके चलेगा, ऑल झेपा, वेरी गुड। अब वो मेन टेबल बना लेते हैं ना बॉस, अब वो मेन टेबल बना लेते हैं। अरे मालिक, तीन कॉलम कंसिडर करूंगा मैं, सबसे पहले आएगा मेरा ईओक्यू, सेकेंड आएगा मेरा 5% डिस्काउंट, नेक्स्ट आएगा मेरा 2% डिस्काउंट, ऐसा ही है ना सर? तीन क्वेश्चन है देखो, आया ना? एडवाइस करना है, डिस्काउंट एक्सेप्ट करना या नहीं करना, ये आपको एडवाइस करना है, तो ईओक्यू के साथ ऑब्वियसली कंपैरिजन होगा। इसमें एक और क्वेश्चन है, 5% का डिस्काउंट आपको फॉलो करना है या नहीं करना है? सो सबसे पहले तो सपोज 2% का ले लिया, उसके बाद सपोज 5% का ले लिया, कॉलमनर फॉर्म में करेंगे तो जल्दी से आंसर आएगा और आपको एफर्ट कम लगेगा। चलिएगा फ्रेंड जल्दी से, सबसे पहले तो एनुअल रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स आपका जो एनुअल रिक्वायरमेंट था वो 4000 है, 4000 है, 4000 है, दिस इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट तोड़ मालिक। इसके बाद ऑर्डर साइज, जल्दी से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में जो आपका ऑर्डर साइज था, ईओक्यू आपका आया था आई गेस 200 ईओक्यू आया था, अगर 2% का डिस्काउंट चाहिए तो ऑर्डर साइज क्या है? चलिएगा, वो जो सप्लायर है वो क्या बोल रहा है, कंपनी ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन प्राइस ऑफ द कंपोनेंट प्रोवाइडेड लॉट साइज इज 2000, लॉट साइज इज नथिंग बट योर ऑर्डर साइज, सो 2000 आएगा। ओके लेकिन अगर आपको 5% का डिस्काउंट चाहिए तो सिंगल ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तो अगर आपको एक ही ऑर्डर प्लेस करना है तो डायरेक्टली 4000 का ही ऑर्डर आपको प्लेस करना पड़ेगा। चलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गया आपका फ्रेंड्स 20 ऑर्डर्स सबसे पहले कॉलम में आ गया, सेकेंड कॉलम में 2 ऑर्डर आएगा, तीसरे कॉलम में 1 ऑर्डर आएगा, ठीक है? यहां से आपको मिल गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर प्लेस करने का जो खर्चा था आई गेस 100 रुपीज था, ओके 100 रुपीज इंटू 20, सो आपका जो आंसर आ गया वो 2000, नेक्स्ट केस में 200, नेक्स्ट केस में 100, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सिचुएशन में आएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री, नेक्स्ट सिचुएशन में आएगा एवरेज इन्वेंट्री। ओके सो एवरेज इन्वेंट्री, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट कॉलम में 100 आएगा, सेकंड कॉलम में 1000 आएगा, तीसरे कॉलम में 2000 आएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट आएगा आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके सो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना था, 10% ऑफ परचेस प्राइस, तो 20 रुपीज सर जी, नेक्स्ट सिचुएशन ऑल्सो 20 रुपीज, नेक्स्ट सिचुएशन ऑल्सो 20 रुपीज, क्यों पूछो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था एज्यूम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज एज पर द डिस्काउंट पॉलिसी, विल नॉट चेंज, डज नॉट चेंज एज पर द डिस्काउंट पॉलिसी। एंड फ्रेंड्स मैंने कल ही आपको बताया था, या फिर लास्ट जो पार्ट हमने वर्कआउट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो तीसरा पार्ट है इसके लिए भी कैरिंग कॉस्ट आप चेंज मत करना, क्योंकि अगर आप कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते, अरे सर ये जो कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज, ये तो आपको सेकेंड कॉलम के लिए बोला था, तीसरे कॉलम में नहीं बोला था, तो तीसरे कॉलम में हम लोगों ने एजम्पशन ले लिया। अरे ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप लोगों को कंपेयर करना है ईओक्यू का 2% डिस्काउंट और 5% का डिस्काउंट कंपेयर करना है, और कंपेयर करते वक्त बेस सेम होना चाहिए। कुछ जगह पे आप कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज ले रहे हो, कुछ जगह पे कैरिंग कॉस्ट विल चेंज ले रहे हो, तो फ्रेंड्स ऐसा कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो फ्रेंड ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये मैंने खुद से ऐड किया है, ये एग्जाम में नहीं आया था, ये मैंने खुद से ऐड किया है, इसलिए ये जो ऊपर वाला है एक्चुअली वो नीचे आना चाहिए था कि कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज विल बी कॉमन टू ऑल। ओके सो फ्रेंड्स कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज 2020। ओके सो इसके बाद आएगा आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट, नेक्स्ट सिचुएशन में 2000, नेक्स्ट सिचुएशन में आई गेस 20,000 आ रहा है, और नेक्स्ट सिचुएशन में आई गेस 40,000 आ रहा है। यू हैव टू कंपेयर द परचेस प्राइस हियर,
यू हैव टू कंपेयर द परचेज प्राइस हियर बिकॉज डिस्काउंट मिल रहा है राइट. सो परचेज प्राइस कितना आ रहा है, पहले कॉलम में वर्किंग दे रहा हूं, एनुअल रिक्वायरमेंट इज 4000 एंड परचेज प्राइस आई गेस 200 रुपीज राइट फ्रेंड्स जी. सो 4000 मल्टीप्लाई बाय 200 आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 8 लाख. नेक्स्ट सिचुएशन में जल्दी बताइएगा आंसर कितना आया फ्रेंड्स. ये जो 8 लाख से इस पे डिस्काउंट मिल रहा है, 8 लाख में से 2% डिस्काउंट लेस कर दिया, सो 8 लाख माइनस 2% का डिस्काउंट, सो 7,84,000. एंड इन द थर्ड कॉलम फ्रेंड्स 8 लाख रुपए का जो आपका परचेस प्राइस था उस पे डिस्को मिल रहा है, डिस्को है आपका 5%, सो 40,000 कम कर दिया 7,60,000. अरे चैंप लोग जल्दी से टोटल कॉस्ट बताइएगा कितना है, टाइम सेव करते हैं. अरे चैंप लोग जल्दी से बता दीजिएगा, चैंप लोग जल्दी से बता दीजिएगा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है. टोटल कॉस्ट पहले केस में 8,04,000 है. इन द सेकेंड सिचुएशन आपको जो आंसर बन रहा है 7,84,000 प्लस 20,000 8,04,000 प्लस 200 8,04,200 सर जस्ट मिस हुआ. विल यू एक्सेप्ट 2% डिस्काउंट, आपको एडवाइस देना था सेकेंड क्वेश्चन में, आपको एडवाइस देना था और हम लोग फ्री एडवाइस देने में एक्सपर्ट है. चलो यहां पे एडवाइस दीजिएगा. सो एडवाइस क्या करेंगे, वेदर 2% डिस्काउंट पॉलिसी शुड बी एक्सेप्टेड, आंसर इज बिग नो, क्योंकि 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा लगता है और हर एक पैसा जरूरी है दोस्त. आगे नेक्स्ट सिचुएशन में 7,60,000 प्लस 40,000 प्लस 100 आपको जो आंसर आ रहा है 8,01,000. ओके सो आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है, सब लोगों को ये समझ में आ गया है राइट. सो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो कैसा आएगा, कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, मेनली प्रेजेंटेशन का पार्ट है. यू आर गोइंग टू प्रेजेंट लाइक दिस, 2% डिस्काउंट पॉलिसी शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है. और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे इफ डिस्काउंट इज 5% ऑन अ सिंगल ऑर्डर देन दिस पॉलिसी शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ लोएस्ट कॉस्ट. ओके सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2% डिस्काउंट पॉलिसी शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. उसके बाद आप लिखेंगे इफ डिस्काउंट इज 5% यस शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट. सो तोड़ मालिक क्या ये सब लोगों को समझ में आया या नहीं आया, क्या ये क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आया या नहीं आया. और मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. सुपर क्वेश्चन था. प्रेजेंटेशन समझ गया, कॉलमनर फॉर्म में आपको ये प्रेजेंटेशन करना था. एक कॉलम ले लिया ईओक्यू, एक ले लिया 2%, एक ले लिया 5%. थोड़ा अपना काम कम कीजिएगा एग्जाम में. कुछ स्टूडेंट ने मुझे पता है क्या किया रहेगा, कुछ स्टूडेंट ने सबसे पहले ईओक्यू का कॉलम कंसिडर किया, फिर 2% का कंसिडर किया, फिर एक और टेबल बना के 5% का आपने कैलकुलेशन दिखाया. ऐसे कितने लोग है जेन्यूनली बताइएगा, कितने लोग है जेन्यूनली बताइएगा जिन्होंने सॉल्व किया है, उन्होंने ऐसे किया कि पहले ईओक्यू और 2% का कंपैरिजन किया फिर 5% का अलग से टेबल बनाया. मुझे पता है कुछ लोगों ने यह किया रहेगा, ईओक्यू एंड 2% डिस्काउंट पहले किया और उसके बाद 5% डिस्काउंट, ये उन्होंने एक और टेबल बनाया. तो उन्होंने कुछ स्टूडेंट ने दो दो टेबल से ये वर्किंग किया है. कुछ स्टूडेंट जिन्होंने ऐसा वर्किंग किया हुआ है बिंदास बताइए उसमें क्या है फ्रेंड्स, आंसर तो करेक्ट ही है ना, गलत थोड़ी हुआ है. प्रगति जी यहां पे नोट लिखने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में एजम्पशन ऑलरेडी दिया हुआ था. जी हां वेरी जेन्युइन स्टूडेंट शुभम जी बोले हां सर मैंने किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है शुभम जी. लेकिन क्या आपको यह पॉइंट क्लियर हुआ कि ऐसा हमें नहीं करना है,
ठीक है, किया तो भी आपका आंसर तो एब्सोल्युटली मैच ही है, आपको मार्क्स कट नहीं होएगा, लेकिन एग्जाम में आप एटलीस्ट एक मिनट सेव करेंगे। अगर एक और टेबल ये जो पर्टिकुलर है वो लिखने में, हेडिंग देने में आप एटलीस्ट एक मिनट सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी डिस्काउंट है, जितने भी प्रपोजल है, उसका सेपरेट कॉलम हमें कंसिडर करना है। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन भी समझ में आया, एग्जाम में कैसे करना है, चलेगा। वेरी जेन्यून शुभम जी, वेरी गुड, आपने बराबर बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। सो ये था एक जबरदस्त क्वेश्चन जो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। चैंप लोग, मैंने तो ऐसे ही ट्राई करने के लिए दिया था, तो सोचा कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफी लोगों ने ये वर्कआउट कर लिया। चैंप, वेरी गुड। आइएगा, आगे बढ़ते हैं। ये जो अगला टाइप सा स्टार्ट हो रहा है, इस पर भी काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। ये भी एक फेवरेट टाइप है, वन ऑफ द फेवरेट टाइप इन एग्जाम। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स रीड दैट क्वेश्चन नंबर 24। एचकेसी लिमिटेड इज रिव्यूइंग इट्स स्टॉक पॉलिसी एंड हैज द फॉलोइंग अल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। पर्टिकुलर्स, परचेज स्टॉक ट्वाइस इन अ मंथ 400 यूनिट्स, परचेज मंथली, परचेज एवरी थ्री मंथ, परचेज सिक्स मंथली 4800 क्वांटिटी, परचेज एनुअली 9600 यूनिट्स। ओके, तो फ्रेंड्स, ट्वाइस इन अ मंथ यानी आप 24 ऑर्डर्स देंगे, ध्यान से सुनिएगा। मंथली परचेज करना है तो आप 12 ऑर्डर्स देंगे। परचेज एवरी थ्री मंथ यानी क्वार्टरली आपको परचेज करना है तो यू आर गोइंग टू प्लेस द 4 ऑर्डर्स। परचेज सिक्स मंथली, इसका मतलब आप 2 ऑर्डर प्लेस करेंगे। परचेज एनुअली, इसका मतलब आप 1 ऑर्डर प्लेस करेंगे। चलो चैंप लोग, जल्दी से आप मुझे आंसर देंगे। अभी मेरा पहला क्वेश्चन है इन दिस पर्टिकुलर 24 नंबर के क्वेश्चन में, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यह है, कोई मुझे बताएगा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? फास्ट आंसर जी, देखते सबसे पहले आंसर कौन देता है। फास्ट आंसर दीजिएगा, मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, जल्दी, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था, जल्दी से बताइएगा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है। अब तक आंसर नहीं आया, 9600। हर्षा जी, सबसे पहले आंसर दिया हर्षा जी, शुभम जी, अंशिका जी, प्रगति, मुक्ता, बिंदु जी, 9600, जी हां, एब्सोल्युटली करेक्ट, 9600। राघव जी, विधि जी, प्रेम जी, 9600 आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट है गाइज, गाइज एब्सोल्युटली करेक्ट है। एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, कैसे किया? देखो, 24 ऑर्डर देना है 400 का, ये आंसर आ गया 9600। 12 ऑर्डर देना है 800 का, 9600। 4 ऑर्डर देना है 2400 का, 9600। 2 ऑर्डर देना है 4800 का, 9600। 1 ऑर्डर देना है 9600, आपका आंसर आ गया 9600। तो समझ गया ना कैसे आपको एनुअल रिक्वायरमेंट आना है चैंप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इट इज एसर्टेन दैट द परचेज प्राइस पर यूनिट इज 40 फॉर डिलीवरीज अप टू 2000 यूनिट्स। ओके, अप टू 2000। तो फ्रेंड्स, जल्दी से यह भी देख लेते हैं, अगर एक साथ 2000 तक आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, 2000 तक अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो परचेज प्राइस इज रुपीज 40। ओके, तो फ्रेंड, पहले सिचुएशन में आप 400 यूनिट परचेस कर रहे हो विच इज अप टू 2000 है, तो आपकी परचेस प्राइस आएगी 40 रुपीज। नेक्स्ट सिचुएशन ऑल्सो, 800 है आपका ऑर्डर साइज, अप टू 2000 है वो, तो यहां पे भी आपको जो परचेस प्राइस आ रहा है वो 40 रुपीज आ रहा है। बट 2400 इज बियॉन्ड 2000, तो आगे देखते हैं डिस्को क्या बोलता है। 5% डिस्काउंट विल बी ऑफर्ड बाय द कंपनी ऑन होल ऑर्डर वेयर द डिलीवरीज आर 2001 टू 4000।
2001 से लेके 4000 तक यूनिट एक साथ आप परचेस करते हो तो आपको डिस्को मिल रहा है 5% का, ठीक है ना। तो 2400 अगर है सो मुझे डिस्काउंट मिलेगा 5% का, तो फ्रेंड्स मेरा जो प्राइस आ रहा है वो 38 रुपीज का प्राइस आ रहा है। अरे भाई समझ में आया क्या ये पॉइंट? 2400 2000 के ऊपर है तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन 10% का भी डिस्काउंट पॉसिबल है अगर आप 4000 के ऊपर ऑर्डर प्लेस करते हो। एक साथ 4000 से ज्यादा क्वांटिटी अगर आप परचेस करते हो तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स 36 रुपीज बिकॉज 4800 एंड 9600 ये दोनों 4000 के ऊपर है। आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली दिमाग में फिट हो गया, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, एकदम सिंपल था। ये आ गया आपका परचेस प्राइस। ओके नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं कि ईच प्रोडक्ट ऑर्डर्स ईच परचेस ऑर्डर इनकर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 250, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है आपको 250 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अदर स्टोरेज कॉस्ट इज 12.50 पर यूनिट ऑफ एन एवरेज स्टॉक क्वांटिटी हेल्ड। बराबर है, आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दिया 12.5। कैलकुलेट द ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। चैंप लोग जल्दी से आप मुझे बताइएगा, जी हाँ चैंप लोग जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा 12.5 रुपीज। तो जल्दी से बताइएगा इससे मैं क्या हाईलाइट करना चाहता हूं, जल्दी से। कैरिंग कॉस्ट 12.5 रुपीज, तो समझ में आ गया रहेगा आपको मैं ये क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं ये वर्ड पे, जल्दी से बता दीजिएगा ना ऐसा मैंने क्यों किया। वाई 12.5 रुपीज? तो इससे हमारे क्वेश्चन का लेना देना क्या है, जल्दी से आप बताइएगा, जल्दी से आप बताइएगा। विधि जी वेरी फास्ट वेरी गुड विधि जी, इन्होंने बोला कि कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज, वेरी गुड, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट विल नॉट चेंज। मुक्ता जी इन्होंने भी आंसर दे दिया, बिंदु जी इन्होंने भी आंसर दे दिया, प्रगति जी इन्होंने भी आंसर दे दिया। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे छोटे पॉइंट जो मैंने आपको बोले थे वो आप ध्यान से सुनना कि मैंने बोला था अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया है और एजम्पशन दिया है देन फॉलो दैट एजम्पशन। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया है और एजम्पशन नहीं दिया है तो डिस्काउंट की वजह से कैरिंग कॉस्ट चेंज होता है, ये एजम्पशन ले लो खुद से भाई। और अगर कैरिंग कॉस्ट रुपीज टर्म्स में दिया हुआ है तो नो चैलेंज, अगर कैरिंग कॉस्ट रुपीज टर्म्स में दिया तो नो चैलेंज, कैरिंग कॉस्ट विल नॉट चेंज बॉस। ओके वेरी गुड। सो फ्रेंड्स कैलकुलेट द ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, जी हां आपको कैलकुलेट करना है ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ईओक्यू फाइंड करना है क्या, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ईओक्यू फाइंड करना है, एब्सोल्युटली नो, ईओक्यू आपको फाइंड नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन पढ़िएगा फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, इतना ही अल्टरनेटिव है 1 2 3 4 5, ये 5 अल्टरनेटिव अवेलेबल है, इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव आप सिलेक्ट करेंगे ये आपको आंसर देना है, ठीक है। ये 5 में से कौन सा अल्टरनेटिव आप सिलेक्ट करेंगे ये आपको आंसर देना है। So over to you. जी हाँ over to you. Question number 24 आप solve कीजिएगा। भार्गव जी just a minute, मैं बताता हूं क्या करना है। जी सब लोग ध्यान दीजिएगा, question number 24 आपको solve करना है और columnar form में आप solve करेंगे, ठीक है। फेयर बुक में आप सॉल्व कर रहे हो, कॉलम कितना कंसीडर करना है तो ये 5 कॉलम्स आप कंसीडर करेंगे, यू आर गोइंग टू कंसीडर दिस 5 कॉलम्स। मंथली परचेस करना है ट्वाइस अ मंथ, क्वार्टरली परचेस करना है, 6 मंथली परचेस करना है और एनुअली। कोई रफ में सॉल्व नहीं करेगा, फेयर में सॉल्व करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मैक्सिमम डिस्कशन हो चुका है। सबसे पहला क्या है ट्वाइस अ मंथ, एक कॉलम आप कंसिडर करेंगे ट्वाइस अ मंथ, नेक्स्ट कॉलम आप कंसीडर करेंगे मंथली, नेक्स्ट कॉलम आप कंसीडर कर रहे एवरी 3 मंथ, यानी आप वहां पे क्वार्टरली भी लिख सकते हैं।
सिक्स मंथली, और लास्ट कॉलम आप कंसीडर करेंगे एनुअली. ओके, सो भार्गव जी आप बोले सर आज फाउंडेशन का लॉ का पेपर है, डर लग रहा है सर, प्लीज सजेशंस. अरे बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, तोड़ मालिक बहुत अच्छे से आप पेपर लिख के आएंगे, बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है. और फ्रेंड्स डर के आगे जीत है, सो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, फोकस रहिएगा, फोकस रहिएगा, बिल्कुल आप डर मत कीजिए, डरना नहीं है. जितना आपको मैक्सिमम ट्राई करते आएगा, गिव योर बेस्ट, जितना मैक्सिमम ट्राई करते आएगा उतना मैक्सिमम आप ट्राई कीजिएगा. ओके, एंड फ्रेंड्स आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो क्योंकि आपने मेहनत किया हुआ है. सो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा भार्गव जी, बहुत अच्छे से आपका लॉ का पेपर जाने वाला है, ठीक है. सो हमारे सबके ब्लेसिंग्स है, सो डोंट वरी एट ऑल, यू विल परफॉर्म सुपर्ब इन टूडेज पेपर, ठीक है. सो जल्दी से हम लोग मिलते हैं इंटरमीडिएट में. सो एम रखिएगा, आज का पेपर हमें तोड़ लिखना है, जोरदार लिखना है. ओके, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा. एंड हाँ, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा, मेरा वीडियो बंद कर दीजिएगा, पढ़ाई करना स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है. जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा वापिस से ज्वाइन कर लीजिएगा लेक्चर. ओके, सो बिल्कुल अच्छे से पेपर लिखना है, ऑल द बेस्ट फ्रेंड, ठीक है. देखो अपने बाकी फ्रेंड्स भी आपको विश कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट. प्रेम जी इन्होंने भी विश किया हुआ है. सो भार्गव जी ऑल द बेस्ट, तोड़ परफॉर्म करो आज. चलो चलो बाकी लोग, बाकी लोगों का परफॉर्मेंस आज है, करते रहो करते रहो. अपना जो टेबल है वो तो आपको पता है अभी क्या फॉर्मेट है अपने टेबल का, यू नो वेरी वेल. सो जल्दी से वो टेबल कंप्लीट कीजिएगा, फेयर में कंप्लीट करें. आई विल नॉट वेट एंड लास्ट वन मिनट पेंडिंग, इसके बाद मैं इमीडिएटली स्टार्ट कर सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है. आई विल नॉट वेट फॉर यू. जल्दी मुझे आंसर चाहिए फटाफट. जल्दी से बता दीजिएगा, टाइम खत्म हो गया आपका, टाइम खत्म हो गया. अब तक एक भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया, ऐसे कैसे चलेगा, क्या करना है जल्दी से बता दीजिएगा ना, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जल्दी से बता दीजिएगा. ओके, 4800 यूनिट्स वाला ऑप्शन आप बता रहे हो, वेरी गुड, शाबाश. इज ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, ओके, इज 4000 यूनिट्स वाला, यानी सिक्स मंथली आपको परचेस करना है, वेरी गुड. अंशिका जी, प्रेम जी इन्होंने आंसर दे दिया, विधि जी भी आंसर दे रहे 4800, वेरी गुड. बाकी लोग अरे क्या कर रहे हो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं जब बोला खत्म होना चाहिए उतने टाइम के अंदर खत्म होना ही चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा फ्रेंड्स. ओके, अरे बाकी लोग क्या कर रहे हो, प्रगति जी इन्होंने आंसर दे दिया, शुभम जी आंसर दे दिया, जल्दी 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 जल्दी.
चलो 9600 इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहले 9600 है, उसके बाद 4800 है, थ्री मंथली तो 2400 आई गेस, 2400 देन 800 देन 400, ओके. सो ऑर्डर आ गया आपके 24, 12 ऑर्डर, चार ऑर्डर, दो ऑर्डर, एक ऑर्डर. एक ऑर्डर प्लेस करने का जो खर्चा था वो 250 रुपीज दिया हुआ था, राइट फ्रेंड्स. सो 250 मल्टीप्लाइड बाय सबसे पहले कॉलम में आएगा 24, आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6000. इसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3000, ओके. इसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो 1000, इसके बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो 500, एंड लास्ट आंसर आ गया आपका 250. ओके, मुक्ता जी, ज्ञानेश्वर जी, हर्षा जी, सब लोगों ने आंसर दे दिया. ओके, एवरेज इन्वेंट्री आ गया आपका सबसे पहले कॉलम में 200, नेक्स्ट कॉलम में आ गया 400, नेक्स्ट कॉलम में आ गया 1200, नेक्स्ट कॉलम में आ गया 2400, नेक्स्ट कॉलम में आ गया 4800. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया था, पर यूनिट दिया था, रुपीज टर्म्स में दिया था, इट विल नॉट चेंज. सो 12.50, 12.50, 12.50, 12.50 एंड 12.50, जी हाँ. सो टोटल कैरिंग कॉस्ट आएगा, सो 200 मल्टीप्लाई बाय 12.50, पहले कॉलम में आ गया आपका 2500, देन 400 अगर लेते तो आपका आंसर आ गया 5000, देन 1200 अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो 2500. नेक्स्ट सिचुएशन में सो 12.5 मल्टीप्लाइड बाय, आई हैव टू चेक दैट, 1200 15000 है बॉस. दर्शन क्या कर रहा है तू, 15000 है, कैलसी चेक कर दर्शन. नेक्स्ट सिचुएशन में आएगा आपका 2400, सो 30000, 4800, सो 60000, जी हाँ. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूं फ्रेंड्स, परचेज प्राइस, जी हाँ. परचेज प्राइस में जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था 40 40 38 40 40 38 देन आई गेस 36 36 36 36. यहां पे गलती नहीं करना है, यहां पे गलती नहीं करना है, कुछ लोग करेंगे यहां पे गलती. यहां पे ऑर्डर साइज से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो एनुअल रिक्वायरमेंट से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज कॉलम कंपेरेबल नहीं रहेगा. ओके, सो 9600 मल्टीप्लाई बाय 40. नेक्स्ट सिचुएशन में 384000 आपका आंसर आ गया, अगेन 384000 आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट सिचुएशन में 38 अगर मैं लेता हूं तो 364000 आपका आंसर आ गया. अगर 36 में कंसीडर करता हूं तो 345600. चैंप लोग जल्दी से टोटल कॉस्ट बता दीजिएगा, चैंप लोग, जिन जिन लोगों ने आंसर लेके आ गए हैं आप आंसर देंगे, ठीक है. ये आ गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये आ गया आपका कैरिंग कॉस्ट, और ये आ गया आपका परचेज प्राइस. सो इन सब का एडिशन आपको कंसीडर करना है. 345600 ऑलरेडी था, कैलसी पे 60000 ऐड कर दिया, 250 ऐड कर दिया, लास्ट कॉलम का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4,05,850. ओके, सेकंड लास्ट कॉलम का जो आंसर बन रहा है वो 345600 प्लस 30000 प्लस 500 376100. ठीक है, ये मेरा बराबर है, काफी लोगों का ये आंसर आया. 364000 प्लस 16000 380000, जी हाँ, 380000, ये भी काफी लोगों का बराबर आंसर आया. सो नेक्स्ट आ गया आपका 3000 प्लस 5000 प्लस 384000, सो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 392000, देन 384000 प्लस 2500 प्लस 6000, आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 392500. परफेक्ट फ्रेंड्स, काफी सारे स्टूडेंट ने यही आंसर दिया था, तो फाइनली जो लोएस्ट आंसर आ रहा है वो लोएस्ट आंसर है 376100.
लोएस्ट आंसर जो आ रहा है वो 376,100 है, और आपने फॉलो करना चाहिए 6 मंथली परचेसेस, आपने फॉलो करना चाहिए 6 मंथली परचेसेस। अच्छा 380,800 है, 380,800 है क्या फ्रेंड्स? चेक कर लेते हैं ना सर, 9,600 मल्टीप्लाई बाय 38। ओके, समझा, यहां पे 800 है, 364 800 है, तो ऑब्वियसली 380,800 आएगा। परफेक्ट, बराबर है, अब तो बराबर है, चलिए। सो 364 800 था, वो 364 लिखा था, इसकी वजह से वो 800 रुपए का डिफरेंस आ रहा था, चलेगा। सो आपने फॉलो करना 6 मंथली, तो अच्छे से कमेंट लिखिएगा आप, क्या कमेंट लिखेंगे फ्रेंड्स? आपको कमेंट लिखना पड़ेगा ना, कौन सा पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। कंपनी शुड परचेज 6 मंथली टू मिनिमाइज द कॉस्ट, कंपनी शुड परचेज 6 मंथली टू मिनिमाइज कॉस्ट। गाइज क्लियर है, आपने सॉल्व किया फ्रेंड्स? देख लो, काफी सारे स्टूडेंट ने पहले ही आंसर दे दिया था। चैंप लोग समझ गया, टेबल आपको प्रिपेयर करते आ रहा है, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 पे आइएगा, 25 बाद में करते हैं, 25 बाद में करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। सो एवरीवन प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी फटाफट। ट्वेंटी फाइव पेंडिंग रखते हैं, क्वेश्चन 26 पे आते हैं, चलेगा, स्टार्ट करते हैं। The purchase department of your organization has received an offer of quantity discount on its order of the material is as follows. तो अगर आप less than 500 purchase करते हो एक साथ तो 1400 price है, 500 से लेके 1000 तक है तो 1380 थोड़ा कम price आ रहा है, 1000 से लेके 2000 तक price है आपका 1360, 2000 से लेके 3000 तक परचेस करते हैं तो 1340, 3000 एंड अबाउ परचेस करते हैं तो 1320। द एनुअल डिमांड फॉर द मटेरियल इज 5000 टन, ओके, एनुअल डिमांड इज 5000 टन, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट आर 20% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट पर एनम, ओके, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज 20% पर एनम, परसेंटेज में दिया है। द डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज 1200, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1200, द परचेस क्वांटिटी ऑप्शंस टू बी कंसिडर आर 400, 500, 1000, 2000 एंड 3000 टन्स। जी हां, परचेस क्वांटिटी यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपको कंसिडर करके कौन सा ऑप्शन फॉलो करना है ये बताना है। मैं आपको एग्जैक्टली 8 मिनट्स दे रहा हूं, आपने खुद से सॉल्व करना है। कॉलम कौन से कंसीडर करेंगे, जैसे यहां पे कंसीडर किया था, कॉलम कौन सा आएगा, देखो आपको दिया हुआ है 400 का ऑर्डर साइज, 500 का ऑर्डर साइज, 1000 का ऑर्डर साइज, 2000 का ऑर्डर साइज एंड 3000 का ऑर्डर साइज। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, देखिएगा एग्जैक्टली एट 9:25 मैं आंसर डिस्कस करूंगा। सॉल्व योरसेल्फ, आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, आप सॉल्व करेंगे, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, खुद से सॉल्व करना है और कोई रफ में सॉल्व नहीं करेगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया पॉइंट नहीं है। जल्दी से, मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ 7 या 8 मिनट, 9:25 पे मैं आंसर डिस्कस करूंगा, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। तो कॉलमनर अच्छे से प्रेजेंट कीजिएगा, ऑप्शन कौन से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही ऑप्शन आपको फॉलो करना है। कौन से ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन कौन से आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, 400, 500, 1000, 2000, 3000, बाकी ओवर टू यू। अब आप दिमाग लगाइएगा, दिमाग आप लगाएंगे और फेयर में सॉल्व करेंगे, रफ में कोई सॉल्व नहीं करेगा। अगेन ओवर टू यू,
एंड फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आपका जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो फ्रैक्शन में आ रहा है ना, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, स्टॉप राइटिंग, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, स्टॉप राइटिंग, देखिएगा कहाँ कहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है, उसको आप राउंड अप कीजिएगा। नेक्स्ट ऑर्डर आपको लेना है, सपोज देखिएगा यहां पे मेरे हिसाब से देखिए, आपका जो एनुअल रिक्वायरमेंट था वो 5,000 था, अगर आप लास्ट कॉलम देखेंगे तो 3,000 है, या फिर सेकेंड लास्ट देखेंगे तो ऑर्डर साइज 2,000 है, 5,000 डिवाइडेड बाय 2,000, 2.5 ऑर्डर आता है, तो 2.5 ऑर्डर आपको नहीं लेना है, 2.5 को मैंने बताया था राउंड अप करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक एंड तक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी फॉलो करेंगे, जहां पे भी आपका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है वो आप राउंड अप करेंगे, जहां पे भी आपका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर वो आप राउंड अप करेंगे, और हम लोग अच्छे से नोट लिखेंगे कि ऑर्डर्स कैन नॉट बी इन अ फ्रैक्शन, सो हेंस राउंडेड अप टू, सपोज 12.5 है या फिर 2.5 है तो राउंडेड अप टू 3, या फिर जो आपका 3,000 से आपका था, 5,000 डिवाइडेड बाय 3,000, 1.66 आ रहा है तो राउंडिंग अप टू 2 ऑर्डर्स, तो चलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रैक्शन में नहीं लेना है, इतना ही मुझे आपको बताना था। स्टार्ट आंसरिंग, 1 मिनट बढ़ा दिया आपका, करो। 2.5 की जगह पे 3 ऑर्डर लेना, 1.67 की जगह पे आपको कंसिडर करना है, 1.67 की जगह पे आप 2 ऑर्डर कंसिडर करेंगे, और बकायदा अच्छे से नोट लिखेंगे। जी चैंप लोग, जल्दी से, 4 मिनट्स आर पेंडिंग, 4 ही मिनट बाकी है, ओनली 4 मिनट्स पेंडिंग। फास्ट फास्ट, और प्रॉपर प्रेजेंटेशन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा मत कीजिएगा कि सर को आंसर देना है इसलिए आप कैसे भी सॉल्व कर लो, बाद में देख लेंगे, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, जल्दी हाँ फ्रेंड्स, स्पीड कम हो रहा है, फटाफट करो। लास्ट 2 मिनट्स, लास्ट 2 मिनट्स, क्विक क्विक क्विक, लास्ट 1 मिनट, और मेरा आंसर, मुझे आंसर आ गया अंशिका जी इनका, और अंशिका जी ने बोल दिया है कि 1,000 लॉट साइज फॉलो करना चाहिए, 1,000 का लॉट साइज फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अंशिका जी ये भी आंसर दे दीजिएगा कि आपका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, अगर आपका 1,000 का आंसर है
तो आप ये भी बता दीजिएगा आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, यानी कितने रुपीज का कॉस्ट लग रहा है ओवरऑल। मुक्ता जी इन्होंने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड। मुझे ये भी बता दीजिएगा आपका ओवरऑल कॉस्ट कितना है। ओवरऑल कॉस्ट कितना है? सिक्स नाइन्टी फोर। अच्छा 69,42,000। चलेगा 69,42,000 ऐसा कुछ तो भी आंसर दे रहे हैं। ओके ठीक है, वेरी गुड। आई होप काफी सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया है। सो चेक करते हैं फ्रेंड्स आंसर। एनुअल रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपने लिखा रहेगा हर एक कॉलम में। एनुअल रिक्वायरमेंट आपने लिखा 5,000। कितने कॉलम्स थे? 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स। ओके ऑर्डर साइज ठीक है। ऑर्डर साइज कितना है? तो 400, 500, 400, 500। इसके बाद है आपका 1,000, 2,000, 1,000, 2,000 एंड 3,000। परफेक्ट है, चलेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना आ रहा है? सबसे पहले सिचुएशन अगर कंसीडर कर रहा हूं मैं, 5,000 डिवाइडेड बाय 400, 12.5। पहले तो मैंने लिखा 12.5, स्टार मार्क देके लिखा से 13 ऑर्डर, से 13 ऑर्डर। इसका नोट लिखना पड़ेगा नीचे, से 13 ऑर्डर। नेक्स्ट वन, 5,000 डिवाइडेड बाय 500, 10 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, 5 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। फिर यहां पे लिखूंगा 2.5 से 3 ऑर्डर्स। ओके इसके बाद 5,000 डिवाइडेड बाय 3,000 अगर ले रहा हूं तो 1.67 से 2 ऑर्डर्स। ठीक है, सो आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? एक ऑर्डर प्लेस करने का जो एक्सपेंसेस था, एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा जो था 1,200 रुपीज था, राइट? सो एक ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा 1,200 रुपीज था, मल्टीप्लाइड बाय 13 ऑर्डर्स, सो 15,600। 10 ऑर्डर अगर ले रहा हूं तो 12,000, 5 ऑर्डर अगर ले रहा हूं तो 6,000, 3 ऑर्डर अगर ले रहा हूं तो 3,600, 2 ऑर्डर अगर ले रहा हूं तो 2,400। परफेक्ट। एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा? पहले कॉलम में 200, नेक्स्ट कॉलम में आया 250, नेक्स्ट कॉलम में आ गया आपका 500, नेक्स्ट कॉलम में आ गया आपका 1,000, लास्ट कॉलम में आ गया आपका 1,500। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है,
सो 20%। अब फ्रेंड्स इसका सपोज कैलकुलेशन दिखा दिया, सो 20% किसका, पहले कॉलम का परचेज प्राइस था 1400, नेक्स्ट 20% किसका, दूसरे कॉलम का जो परचेज प्राइस था वो 1380, 20%, तीसरे जो कॉलम था। अच्छा ये देखना पड़ेगा, अरे रे रे क्या कर रहा है दर्शन तू, 400 के लिए 1400, वेरी गुड, बराबर लिखा है मैंने, 500 के लिए 1380, बराबर लिखा है मैंने, 1000 के लिए 1360, ओके बराबर लिखा है मैंने, इसके बाद 1000 के बाद कितना है, 2000, एक हजार के बाद 2000, 2000 के लिए 2000 एंड लेस देन 3000, 1340 आएगा। नेक्स्ट सिचुएशन में 3000 इस 3000 एंड अबव 1320, 3 जी सर बराबर है ना। सो कैरिंग कॉस्ट कितना है फ्रेंड्स ये भी बता दीजिएगा, 1400 इंटू 20%, ओके काफी सारे स्टूडेंट आंसर दे दिया है, पहले इसमें आ गए 280, नेक्स्ट सिचुएशन में है 276, ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन में कितना है 272, थैंक यू, नेक्स्ट सिचुएशन में कितना है 268, नेक्स्ट सिचुएशन में कितना है 264। मैं आपका आंसर फॉलो कर रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा बराबर है ना। सो 280 मल्टीप्लाई बाय 200, टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गया मेरा 56,000, 276 मल्टीप्लाई बाय 250, 69,000 आ रहा है, 272 मल्टीप्लाई बाय 500, ये भी आंसर देते रहिएगा, 1,36,000, सो दैट आई कैन चेक, ओके नेक्स्ट सिचुएशन में 268 मल्टीप्लाई बाय 1000, सो 268,000, देन 264 मल्टीप्लाई बाय 1500, 396,000 इज योर आंसर, परफेक्ट। अब परचेज प्राइस भी देख लेते हैं, सो पहले कॉलम में आ गया 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1400, देन 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1380, देन 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1360, 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1340, अरे हाँ है ना, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1320, ओके सो 5000 मल्टीप्लाई बाय 1400 आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 7 लाख। ओके इस नेक्स्ट सिचुएशन में आपका जो आंसर आ रहा है 1380 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा है तो 69 लाख आंसर आ रहा है, नेक्स्ट सिचुएशन में अगर मैं 1360 से मल्टीप्लाई कर रहा है 68 लाख आंसर आ रहा है, 1340 अगर आपने कंसीडर किया तो 67 लाख आंसर आए, 1320 अगर मैंने कंसीडर किया तो 66 लाख आंसर आ रहा है, तोड़ मालिक चलेगा। टोटल कॉस्ट बता दीजिएगा कितना आया फ्रेंड्स, हाउ मच इज योर टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में आप कंसीडर करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड परचेज प्राइस, सो इन द फर्स्ट सिचुएशन 7 लाख प्लस 56,000 प्लस 15,600, फ्रेंड्स आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7,71,600, हा या ना, शुभम जी राउंड अप करना है, शुभम जी राउंड अप करना है, राउंड अप कीजिएगा, सब लोग राउंड अप करेंगे, हम लोग एक कॉमन प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, अभी राउंड अप करना है हमें, नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, राउंड अप करना है, क्योंकि मैं उसका नोट भी लिख के देने वाला हूं अगले सारे क्वेश्चन में, यही हम लोग फॉलो करने वाले हैं। शुभम जी आंसर चेंज करो, राउंड अप करना है,
70,71,600 पहला आंसर है, 69,81,000 दूसरा आंसर है, 69,42, 69,71,600, 69,98,400। अब चेक करो फ्रेंड्स आंसर बराबर है क्या, 69,98,400, 69,71,600, 69,42, 69,81, 70,71,600। जल्दी से चेक कीजिएगा आंसर करेक्ट है क्या मेरा, अभी बराबर है ना, चेक करो, एवरीवन प्लीज चेक दैट। परफेक्ट, कहाँ पे आपका कॉस्ट लोएस्ट आ रहा है वो भी आप चेक कीजिएगा, 69,81, 69,42, ओके 69,42 लोएस्ट है शायद। परफेक्ट है बॉस, सुपर्ब, 69,42,000 इज योर फाइनल आंसर, लोएस्ट कॉस्ट है। सो 1,000 के लॉट में 5 ऑर्डर आपने प्लेस करना चाहिए टू मिनिमाइज द कॉस्ट। और एक नोट लिखना बाकी है, एवरीवन प्लीज राइट डाउन दैट नोट, एवरीवन प्लीज राइट डाउन द नोट। चलिए आई होप कंप्लीटेड, सब लोग नोट लिखेंगे, ऊपर ऐसे स्टार मार्क करो ना, जहां जहां पे आपने राउंड अप किया है वहां पे स्टार मार्क करो, लिखो ऑर्डर्स कैनॉट बी इन अ फ्रैक्शन, ऑर्डर्स कैनॉट बी इन अ फ्रैक्शन, हेंस इंस्टेड ऑफ 12.5 we will place 13 orders, instead of 12.5 we will place 13 orders, instead of 2.5 we will place 3 orders, instead of 2.5 we will place 3 orders, and instead of 1.67 we will place 2 orders, instead of 1.67 we will place 2 orders। so ये अब प्रिंसिपल हम लोग कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे, अब इसमें कोई नहीं तो क्या होएगा, एक क्वेश्चन में आप अलग ले रहे हो नंबर ऑफ ऑर्डर्स फ्रैक्शन में ले रहे हो, एक क्वेश्चन में फ्रैक्शन में नहीं ले रहे हो, तो वहां पे आपका ही कंफ्यूजन होएगा, आप मुझे डाउट पूछेंगे सर ऐसे कैसे हो रहा है, एक जगह पे फ्रैक्शन पे लिया एक जगह पे नहीं लिया। तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन में आपको जो आंसर ऑर्डर्स का आना है वो फ्रैक्शन में नहीं आना है, आपको राउंड अप करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर कैनॉट बी इन अ फ्रैक्शन, ये आपको एजम्पशन लिखना है। तोड़ मालिक समझ गया, फ्रेंड्स होमवर्क लीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 होमवर्क करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 27 आपको सबसे पहले होमवर्क करना है, सिर्फ 4 लाइन छोड़ के रखना रीऑर्डर पॉइंट का, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया रीऑर्डर पॉइंट अपना 35 के बाद वाले क्वेश्चन का है, रीऑर्डर लेवल वगैरह हम लोगों ने अभी तक कंसीडर नहीं किया है, तो जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब 4 लाइन छोड़ देना रीऑर्डर लेवल फाइंड करने के लिए। इसके बाद आपको बी और सी का आंसर लाना है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, सी क्वेश्चन ईओक्यू भी पूछा है, सी क्वेश्चन में ईओक्यू भी आपको पूछा हुआ है,
ठीक है, ईओक्यू भी आपको पूछा हुआ है, सो वो भी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 27 इज फॉर होमवर्क। रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑल्सो फॉर होमवर्क। 25 नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे आपको, चलो ठीक है 25 कैंसिल कर देता हूं, 25 आपको नहीं करना है। आगे मैं और कुछ होमवर्क दे रहा हूं, कल संडे है, थोड़ा आपके पास भी टाइम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31-32 होमवर्क, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 31-32 इज फॉर होमवर्क। ठीक है, इनफ फ्रेंड्स, ये तीन क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तोड़ मालिक। सो मंडे को नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू ऑन मंडे। चलिए, और कुछ डाउट है? इज देयर एनी अदर डाउट फ्रेंड्स? सो तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया हुआ है, ये तीन क्वेश्चन आप करके आएंगे, मंडे को डिस्कस करेंगे। हाँ, लास्ट लेक्चर मंडे को यूट्यूब पे रहेगा क्योंकि ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा, अगला टाइप इनक्रिप्टेड लेंगे। यूट्यूब ये कंसेप्ट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और कुछ डाउट रहेगा तो पूछिएगा फ्रेंड्स। चलेगा, आई गेस किसी को डाउट नहीं आ रहा है। थैंक यू शुभम। सो तोड़ मालिक, कल संडे है, एंजॉय करना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका रिजल्ट आ जाएगा, अभी फाइनल के साथ आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब भी फाइनल का रिजल्ट रहेगा, इमीडिएटली रिजल्ट आ जाएगा। तो दिसंबर और जनवरी का ये रिजल्ट अलग आने वाला है, डोंट वरी एट ऑल, अभी तो आ जाएगा आपका, अनाउंसमेंट कर देंगे इंस्टीट्यूट अभी। आशीष जी, एक लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 300-400 GB का रहता है, एमबी का, जीबी ज्यादा हो गया, 300-400 MB का रहता है। आराम से आप वो आपका जो मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हो, नेट कनेक्शन मोबाइल से करके आप आराम से वो डाउनलोड कर सकते हैं। 400 तक रहता है जनरली, ऑन एन एवरेज 400 तक रहता है, तो आप आराम से वो मोबाइल से डाउनलोड बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हमें 1.5 GB फ्री रहता है, तो बाकी सारे लेक्चर आप एक दिन में डाउनलोड कर ही सकते हैं। सर, सब्जेक्ट की लाइव स्ट्रीमिंग एमबी डेटा पे हो सकती है? फ्रेंड्स, वो टेस्टिंग चल रहा है श्रेया जी, उसका टेस्टिंग चल रहा है। एक बार वो टेस्ट मैं मेरे मोबाइल पे चेक कर लूंगा कितना डेटा ये होता है, आपको इन्फॉर्म करूंगा। हाँ हाँ बराबर है, एक लेक्चर को कितना टाइम लगता है वो एक बार टेस्टिंग करके मैं बताता हूँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वो डिफर होता है, ठीक है, ये मेरा जो रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है उससे वो डिफर करता है। एक बार टेस्टिंग करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई टू इन्फॉर्म यू।
हाँ बता दूंगा आशीष जी, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा लाइव स्ट्रीमिंग में कितना डेटा कंज्यूम होता है। वाईफाई अगर रहेगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, सो नो इशू एट ऑल। वाईफाई अगर रहेगा तो मोबाइल में कितना होता है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। एनी अदर डाउट? सो तोड़ मालिक, पढ़ाई करते रहिएगा एंड होमवर्क तो आपको करना ही है। ये तीन क्वेश्चन रिवाइज करते रहिएगा। आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो होमवर्क दिया था वो अच्छे से हमने किया हुआ है, बाकी तो रिपीटेटिव क्वेश्चन था। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। शायद डाउट नहीं आ रहा है और कुछ? ठीक है, सो फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर ऑल।